नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। जो लोग पहली बार आए हैं वो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि कश्मीर टू कन्याकुमारी और द्वारिका से नॉर्थ ईस्ट तक के सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। और ये है फैमिली टूर वाला वीडियो। और दोस्तों, इस समय हम शिलोंग की यात्रा पर और डे थ्री में हम पहुँच रहे हैं चेरापूंजी के डबल डेकर रूट ब्रिज को देखने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत दोस्तों, हम लोग यहाँ पर रुके थे, कल नाइट हॉल्ट किया हमने, छोटा सा होम स्टे, जिन्निया होम स्टे, यहाँ पे नाइट हॉल्ट किया। अच्छी जगह है, पार्किंग है प्रॉपर और आसपास का एरिया एकदम खुला हुआ है। दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोहरा, या कहें चेरापूंजी। सिटी से काफ़ी बाहर एक छोटा सा होम स्टे, क्योंकि यह होटल्स नॉर्मली हैं लेकिन सिटी के बीचों बीच है और वहाँ पे पार्किंग का इशू होता है। और बहुत ही शानदार व्यू है दोस्तों। ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, यह है मोनोलिथ। यहाँ पर किसी की मृत्यु के बाद गाड़ दिया गया है और उसके रिश्तेदारों ने ये पत्थर लगा दिया है स्मारक के रूप में, तो मोनोलिथ एरिया। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे एक सुंदर नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप बारिश के टाइम पे आएंगे तो ये पूरे एरिया में ढेर सारे वाटरफॉल्स दिखेंगे, बट इस समय वाटरफॉल्स का टाइम नहीं है। अगर आपको नदियाँ और नाले शानदार क्रिस्टल क्लियर पानी में देखने हैं तो आपको ये जनवरी मंथ में आना पड़ेगा। और अगर आपको वाटरफॉल्स देखने हैं तो आप आइए जुलाई से लगभग अक्टूबर तक। ये वो टाइम है जब पीक सीज़न होता है, रेनी सीज़न। धूप बहुत तेज है, काफ़ी तेज धूप, आनंद आएगा। और तो चलिए अगले स्पॉट पे चलते हैं, जो है डबल डेकर रूट ब्रिज। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर है वेलकम टू टायरेना इलाका टूरिज्म और यहाँ पर होम स्टे भी है। यहाँ से हम नीचे जाएंगे लगभग 3 किलोमीटर्स और हम जा रहे हैं डबल डेकर ब्रिज पर। बीच में कई छोटे छोटे ब्रिजेस पड़ेंगे रूट ब्रिज पर, तो चलिए चलते हैं 3.5 किलोमीटर का सफ़र। छोटे छोटे पेंगुइन डंडे लेके रेडी हैं और ये हमारी मैडम जी। तो ये आप पेड़ देख रहे हैं, इसी से बनती है हमारे घरों की नॉर्मल झाड़ू। सुपाड़ी और झाड़ू यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। मकड़ियों से आपका स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए, एक मकड़ी, अनेक मकड़ी, एक एक करके आ गई मकड़ी। देखो दोस्तों, बहुत बड़ी मकड़ी है, मेरे हाथ के बराबर है। कैमरे में छोटी दिख रही है लेकिन बहुत ही बड़ी। वन मोर मकड़ी, पूरे रास्ते में मकड़ियों के जाले हैं और हम आपको मकड़ियों के दर्शन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं एकदम खड़ी चढ़ाई है, ये अभी यहाँ पे उतराई है और फिर एकदम खड़ी चढ़ाई। 3,500 सीढ़ियों से हम उतर रहे हैं अभी, तो उतरने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है लेकिन हमारी वाट लगेगी चढ़ने में। निशी हमारे साथ, छोटा पेंगुइन। तो दोस्तों देखिए कितनी शानदार ब्यूटी, गजब की खूबसूरती। एकदम नीचे जाना भाई, और हमें जाना है एकदम नीचे। खूबसूरत नजारा, अब मेरे आगे क्यों आए? रोड का किनारा, यहाँ पे आदिवासी रहते भी होंगे। यस, आदिवासी लोग पीछे आ रहे हैं मेरे। ये इंसान की शक्ल में चिड़िया, देखिए आप वो नीचे झड़, देखिए पेड़ की और उसके ऊपर बेल चढ़ रही है ऊपर। जल्दी अपना लंबा सफ़र कर लेगी और ऊपर तक पहुंच जाएगी और इसको अपने कब्जे में ले लेगी। तो चलिए चलते हैं डबल डेकर रूट ब्रिज पर। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, सुबह हो या शाम, जीवन नहीं है रुकने का काम। एक दो, एक दो, एक दो, एक, आ, आ, दोस्तों लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर ब्रिज आने वाला है। फाइनली हम लोग पहुंच गए लॉन्गेस्ट सिंगल रूट
ब्रिज की तरफ और आपको एक शानदार व्यू दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए कितना गजब का व्यू है इस रूट पे। ये देखिए 40 साल लगते हैं लगभग एक ब्रिज को बनने में। तो दोस्तों ये है लॉन्गेस्ट सिंगल रूट ब्रिज, चलिए इसके ऊपर चलते हैं। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस, टेरिफिक टेरिफिक, वाओ व्हाट अ ग्रिप। चलिए वाओ, बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस, टेरिफिक, डरावना, हरा टूटा टूटा हुआ ब्रिज, वाओ नेचुरल रूट ब्रिज। मजबूत एकदम। तो चलिए अब चलते हैं डबल डेकर रूट ब्रिज पर, एक से आएंगे और एक से हम जाएंगे। चलिए दोस्तों ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस, देखिए कितना खूबसूरत लाइव रूट ब्रिज है। पहली चीज़ तो पेड़ के बराबरी से इतनी लंबी लंबी जड़ें, वो भी इतनी मजबूत दीवार जैसी बना दी है जड़ों ने, और एक पूरा ब्रिज तैयार कर दिया है जिससे आप पूरी रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। और ये है लॉन्गेस्ट सिंगल रूट ब्रिज, यानी रूट का ब्रिज है बट सिंगल लेयर। इसके बाद जो हम देखेंगे वो है डबल डेकर यानी डबल लेयर, ऊपर एक और लेयर है नीचे एक और लेयर है। तो चलिए चलते हैं। इसी तरह से मंकी के बच्चे रूट पर चढ़ते हैं। इस तरह के तीन ब्रिज हैं, लेकिन ब्रिज को अभी बंद कर दिया है, जंग लगने की वजह से टूट गया है। पहले इसके ऊपर से जाते थे, अभी नीचे एक छोटा सा बैम्बू ब्रिज है उस पर से जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। टेम्परेरी रास्ता बनाया है ये। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं रॉकिंग एक्सपीरियंस के लिए। ये देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। अगर आपको वाटरफॉल्स देखने हैं तो आप आइए जुलाई में, लेकिन आपको इस तरह का पानी नहीं दिखेगा। क्या आप पानी है दोस्तों, देखिए क्रिस्टल क्लियर पानी। शानदार एक्सपीरियंस हमारी मैडम जी ले रही हैं, रॉकिंग एक्सपीरियंस रॉक्स के बीच में बड़े बड़े। इस फुट ब्रिज से स्टार्ट होता है जो जाएगा विलेज नोंगरियाट की तरफ, जहाँ पर मिलेगा हमको डबल डेकर रूट ब्रिज। हमको चलते चलते 2 घंटे हो चुके हैं, 9 बजे हमने चढ़ाई शुरू की थी, या कहें उतराई शुरू की थी। उतरते उतरते हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं और अब और चलना है हमें करीब आधा घंटा और। चलिए और ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, और पत्थरों के बीच से हम जा रहे हैं रूट ब्रिज देखने के लिए। तो मुझे मिली है एक पत्ती, ये देखिए ये पत्ती है दोस्तों, ये फूल नहीं है, ध्यान से देखिएगा। वाओ डिज़ाइनर पत्तियां हैं, और देखिए पीछे का व्यू देखिए आप, मस्त व्यू। लोग इतनी ऊपर तक रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं और क्यों रह रहे हैं पता नहीं है। तो इस पत्ती के सुंदरता को निहारते हुए हम बढ़ रहे हैं अगले सफ़र पर, बढ़ते जा रहे हैं, बस बढ़ते जा रहे हैं। तेज पानी की आवाज़, रिवर के बिल्कुल करीब हैं हम, आप भी महसूस कर रहे होंगे, और बढ़ते हैं आगे। यह है स्विमिंग पूल, बहुत अच्छा, लेकिन ये विजिटर्स अलाउड नहीं है। झिंग महाम, दिस इज नोन एट वार्निंग। को कहा था 2 आयरन ब्रिज पे से निकलना पड़ता है, एक टूट चुका है, दूसरे आयरन ब्रिज से हम निकल रहे हैं, और उसके बाद हमारा होगा सफ़र कंप्लीट और हम पहुंचेंगे डबल डेकर फुट ब्रिज पर। ये देखिए और इस जाली के नीचे है शानदार स्विमिंग पूल, ये देखिए बहुत ही गजब का पानी।
एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर, झरना देखिए आप, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। ये व्यू, क्या व्यू है ब्रिज के ऊपर से, और ये देखिए एक छोटा सा वाटरफॉल जिसका पानी है एकदम क्रिस्टल क्लियर। खूबसूरत पानी आपने देखा, खूबसूरत पानी। तो चलिए ये था सेकंड आयरन ब्रिज और इसके बाद है हमारा लास्ट स्टॉप जो है डबल डेकर रूट ब्रिज। तो अब हम चल रहे हैं छोटे से रूट ब्रिज पर से, छोटा बेबी है ये लॉन्गेस्ट सिंगल ब्रिज का। ऐसे कई सारे ब्रिज हैं, ये देखिए वाह क्या गजब का ब्रिज, वाह कितने सालों पुराने, बहुत ही मजबूत ब्रिज है। इसमें बांस की जगह पत्थर रखे हुए हैं और ये ब्रिज देखिए दोस्तों, 3 घंटे चलने के बाद हम इस ब्रिज पर पहुंचे हैं और अगले ब्रिज को आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ब्रिज। तो पर हैं ढेर सारे होम स्टेज, तो आप चाहें तो एक दिन पहले आइए, होम स्टे में रात रुकिए और अगले दिन रिटर्न हो जाइए, ये भी आप कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट यहाँ पे 3,000 से 3,500 रुपये है कपल की, एक रूम की, लेकिन ज़्यादा लग्जरी आपको प्रोवाइड नहीं होगी, बेसिक एमिनिटीज आपको मिलेंगी। हम लोग पहुंच चुके हैं डबल डेकर रूट ब्रिज, सिंगल ब्रिज आपने देख लिया है, अब देखते हैं डबल डेकर ब्रिज। और ये देखिए ये है डबल डेकर, इसको बनने में लगभग 100 साल लगे होंगे, जितनी मोटी ब्रिज है। देखिए इसी ब्रिज के लिए सब लोग 3 घंटे पैदल चल के आए हैं। अरे देखिए यहाँ पे शानदार ब्रिज, आप देख रहे हैं मेरे पीछे डबल डेकर रूट ब्रिज, वो जो देख रहे हैं डाउन लेयर, ये ऊपर वाली सेकंड लेयर, और थर्ड अभी बना रहे हैं वो। इस तरह से है डबल डेकर रूट ब्रिज। और दोस्तों इस तरह के नज़ारों को देखने के लिए आपको मेघालय ही आना पड़ेगा, पूरे इंडिया में इस तरह से रूट ब्रिजेस आपको किसी और एरिया में दिखाई नहीं देंगे। 100 साल से भी ज़्यादा लगते हैं इस तरह के रूट ब्रिज बनने में, और तीसरी लेयर भी ये लोग तैयार कर चुके हैं। देखिए आप रूट से नीचे से भी हैं, साइड से भी हैं, ऊपर से भी हैं, सभी जगह से बड़ी बड़ी रूट्स हैं। पहले के टाइम में आदिवासी लोग रूट्स को इसी तरह क्रॉस करते थे रूट्स के सहारे, और ये पानी के अंदर ढेर सारी फिशेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर और बड़ी बड़ी फिशेस, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। 3 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद बहुत ही खूबसूरत
नज़ारे को देखने को मिल रहा है तो सारी थकान दूर हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। पूरा इंडिया घूम लीजिए लेकिन रूट ब्रिज देखने के लिए आपको यहीं पर आना पड़ेगा। थोड़ा ये दोस्तों आपको दिखाते हैं डबल डेकर का नीचे वाला डाउन साइड वाला ब्रिज। 1.5 पे देखिए काफी मोटी रूट्स हैं, एक प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है। देखिए दोस्तों बहुत ही मजबूत पावरफुल रूट है, रोटी है, ग्रिप बहुत अच्छी है, इसको कवर किया हुआ है पूरा प्लेटफॉर्म को। और ये ऊपर देखिए ये है सेकंड वाला। दोस्तों ये है पूरी दीवार, काफ़ी मोटी दीवार बनाई हुई है इन्होंने, ये देखिए मजबूती बहुत है, गैप नहीं है बीच में रूट्स में। ये देखिए गैप नहीं है बिल्कुल भी रूट्स के बीच में, वॉल बन गई है पूरी कम्प्लीटली कवर्ड। ये देखिए ऊपर वाली रूट कितनी मजबूत, ऊपर तक रूट्स निकली हैं। दोस्तों ये देखिए ये भी है बहुत ही मजबूत रूट ब्रिज। देखिए मुर्गी की आवाज, बहुत ही मजबूत। और ये देखिए बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है ये, और रूट ब्रिज के ऊपर से वाह बहुत ही ज़्यादा मजबूत पावरफुल रूट ब्रिज। ये देख तो ये स्विमिंग पूल, क्रिस्टल क्लियर वाटर, यही है वो जगह। वापस से आ चुके हैं हम, पहाड़ी के पेड़ इनमें लगी हुई सुपारी, ये देखिए इस तरह की होती है सुपारी। फिर इसको क्लीन करके
इसके अंदर से गोल सुपारी निकाली जाती है। ये पेड़ हैं छोटे छोटे और ये रूट्स हैं बहुत मोटी। ये देखिए कंदमूल जैसा टाइप का लग रही है चीज, ऐसी है। देखिए आप इसको बड़ी पत्ती दिखाई थी डिज़ाइनर, ये उसकी बड़ी पत्ती है। जब वो छोटी पत्ती बड़ी हो जाती है तो ऐसी हो जाती है, बहुत खूबसूरत। कितनी सुंदरता है वातावरण में, घने जंगलों के बीच में से रबड़ के और जालों में से निकलते हुए। और अब आपको दिखाएंगे अब एक बड़ी सी मकड़ी, ये देखिए दिख रही है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन तो बहुत ही खतरनाक मकड़ी है। अब आपको दिखाई दे, आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाता हूँ। देखिए मिट्टी के थोड़े से टुकड़े गिर जाते हैं किसी ना किसी पेड़ पे और वहाँ पर एक दूसरा पेड़ उगने लगता है। देखिए आप ध्यान से, पीछे वाले पेड़ पे भी इसी तरीके से है। ये देखिए पेड़ किसी और का है लेकिन एक हिस्सा ऊपर वाले पेड़ का गिरा और उसमें मिट्टी ने वहाँ पे पेड़ लगा दिया, तो पेड़ की डालियों पर दूसरे दूसरे पेड़ हैं। देखिए ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये दूसरे पेड़ हैं, ये उस पेड़ से रिलेटेड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये पेड़ की पत्तियाँ इस तरह की है, ये देखिए, लेकिन जब पेड़ इसके ऊपर लग जाता है तो ये पत्तियाँ इतनी लंबी लंबी उगने लगती हैं। देखिए देखिए जगह जगह उग रही हैं, ये देखिए डाली में फंस जाती है और वहीं पर पेड़ निकलना शुरू हो जाता है। वाह अद्भुत है ये चीज़, फर्स्ट टाइम मैंने देखी है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए पेड़ किसी और का है, उस डाली के ऊपर मिट्टी गिरी और उसमें से एक और पेड़ निकल गया। वाह रहे दोस्तों, ये खड़ी चढ़ाई बस एंडिंग हो जाएगी इस सफ़र की, ये चढ़ाई चढ़ने के बाद। तो ज़ोर से बोलो जय माता दी। अगर ये नहीं होता तो और देखिए दोस्तों आपके घर में जो तेज पत्ता होता है वो पत्ता कदमों में पड़ा हुआ है और उसी तेज पत्ते के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। बे लीव्स बहुत महंगा होता है ये बे लीव्स, लेकिन यहाँ पर ऐसा पड़ा हुआ है। ये देखिए वाह, देखिए नीचे से हम लोग आ रहे हैं एकदम नीचे से ऊपर टॉप तक। वाह मौसम हो गया ऑसम और हमारा छोटा ट्रैकर बड़ी लंबी ट्रैकिंग करके फाइनली ऊपर तक आ चुका है। सुबह से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ जूस पी पी के आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों हम लोग अंतिम 100 मीटर पर आ चुके हैं। हमने सुबह 9 बजे स्टार्ट किया था और 11:30 के आसपास हम पहुंच गए थे नीचे डबल डेकर रूट ब्रिज पर। और अब हम वहां से हमने चलना शुरू किया था 1 बजे और अभी लगभग 3 बजे हम पहुंच गए हैं ऊपर। हम लोग आ गए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर। इतनी खुशी मुझे पहले आज तक नहीं हुई। दोस्तों रूट ब्रिज डबल डेकर और सिंगल लेयर दोनों हमने देखे और मौसम आप देख रहे हैं कितना सुहाना हो चुका है। मेघालय मेघों का आलय है ये और यहाँ पर कभी भी किसी भी टाइम मेघों का बसेरा हो जाता है। और अब इस नज़ारे को निहारते हुए हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और चेरापुंजी और शिलोंग के बीचों बीच एक रास्ता है जहां डाइवर्ट होता है माइलोंग विलेज के लिए, इंडियाज़
एशियाज क्लीनेस्ट विलेज माइलोंग। तो चलिए वहाँ जाने के पहले अभी हम रुकते हैं एक होटल में। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं रिवर साइड व्यू में होटल में और रूम नंबर 610 और ये है हमारा रूम। आज के लिए नाइट स्टे होगा यहाँ पर। तो व्यू बहुत अच्छा है, रिवर साइड व्यू है नाइस। और होटल भी आपको दिखा देता हूँ मैं सामने से, ये देखिए ये है व्यू, वेरी नाइस होटल। ये रेस्टोरेंट है इनका ओपन और पीछे है रिवर। यही है वो होटल जिसमें आज का नाइट स्टे होगा। रेस्टोरेंट और इधर का व्यू आपको दिखा देता हूँ। अच्छा नीचे भी डाइनिंग एरिया है और ये देखिए ये है इस होटल की खासियत। ये देखिए ये है पीछे रिवर, तो रिवर साइड व्यू ये देखिए। और ये देखिए काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, यू कैन एंजॉय अ लॉट और काफ़ी बड़ा है। टोटल रूम्स कितने भी है अपने पास? 13 होटल रूम्स हैं यहाँ पे, जिसमें 4 बेड है, डबल बेड है, 3 बेड है, एवरी टाइप ऑफ एकोमोडेशन। चलिए फ़ोन नंबर्स वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ आपको, तो आप पहले से प्रायर बुकिंग करके आइए, नॉर्मली ये फुल रहता है। ये है इनका अंदर डाइनिंग एरिया, रेस्टोरेंट है प्रॉपर। दोस्तों ये है रिसेप्शन एरिया, और ये देखिए ये सारा मैं आपको फ़ोन नंबर्स कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूँ, आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। बहुत ही फ्रेंडली नेचर है इनका, रेस्टोरेंट अवेलेबल है तो कोई इशू नहीं है, सो नोट डाउन। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और कल का वीडियो है बहुत ही खास क्योंकि हम जा रहे हैं एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज और क्लीनेस्ट रिवर डाउकी देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।